सोलो फ्रेंड्स, मैं संतोष स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने इस चैनल पे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कि कुडुलर में आप एक प्रोफेशनल साइड मेनू बार कैसे क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स, और बिल्कुल ही प्रोफेशनल आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग यह जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखते रहिए, और फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की टेक्निकल और ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं कि एक प्रोफेशनल साइड मेनू कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले आप जो है अपना कुडुलर अकाउंट ओपन कर लीजिए, और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस प्रकार जो है प्रोफेशनल साइड मेनू बार आप क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मैंने जो अपने एप्लीकेशन में साइड मेनू बार क्रिएट किया है वो किस प्रकार है और कितना प्रोफेशनल दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो चलिए हम अपना मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें जो थ्री लाइंस और थ्री डॉट दिखाई दे रहा है वही जो है साइड मेनू है। थ्री लाइंस वाले जो है वो साइड मेनू है, और ये थ्री डॉट पे भी बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ये सब कैसे किया और कैसे बनाया है तो वो टोटल चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम अपना यहाँ पे साइड मेनू देख लेते हैं थ्री डॉट पे क्लिक करके, और देख लीजिए फ्रेंड्स कितना प्रोफेशनल जो है एक साइड मेनू क्रिएट खुद से मैंने किया है और कितना अच्छा आपको दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसी प्रकार से साइड मेनू आप क्रिएट कैसे करेंगे तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। और आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे थ्री डॉट है, थ्री डॉट पे भी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आप कैसे क्रिएट करेंगे तो ये आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा थ्री डॉट पे, लेकिन अभी मैं साइड मेनू के बारे में बताने जा रहा हूँ थ्री लाइन्स वाले पे। जैसे ही आप थ्री लाइन्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा, ये साइड मेनू है, और जैसे आप कहीं पे भी क्लिक कर देंगे तो आप जो है ये गायब हो जाएगा। और यहाँ से आप बगल से स्क्रीन को खींच के भी आप यहाँ से साइड मेनू को दिखा सकते हैं। तो ये एक प्रोफेशनल साइड मेनू है, आप अपना एप्लीकेशन में लगाने के बाद जो है एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन की तरह लुक दिखाई देता है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से आप कैसे क्रिएट करेंगे तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है जो है इसमें दो तीन बटन पे ही काम करके दिखाने वाला हूँ, आप जितना बटन लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, बस सिंपल सभी में सेम प्रोसेस है। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है इसका टाइटल जो है यहाँ पे साइड मेनू लिख दिया है स्क्रीन वन पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टाइटल है यहाँ पे चलिए कहाँ पे है इसका टाइटल, तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल कहीं पे होगा साइड मेनू, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये टाइटल है इसका, यहीं पे आप चेंज करना है आपको, जो भी टाइटल रखना है रख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे साइड मेनू रखा है और आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। यदि आप इसमें शेयरिंग और रेटर्स का बटन लगाना चाहते हैं तो आपको एक शेयर वाला ऑप्शन शेयर वाला कंपोनेंट लेना है, और एक एक्टिविटी स्टार्टर को लेना है। और आपको क्या करना है, एक यहाँ से लेआउट में आना है, लेआउट में आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से नेविगेशन पे आना है, नेविगेशन में आपको आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से साइड मेनू लेआउट को आपको ड्रैग करके इस पर रख देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे साइड मेनू लेआउट को यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद आपको करना है क्या कि शेयर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे देख सकते हैं सोशल पे आइए, सोशल पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको एक शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप यहाँ से ड्रैग करके इस पे आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी में आपको एक्टिविटी स्टार्टर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देना है, बस आपको इतना काम करना है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे तीन ही बटन पे बताने वाला हूँ, आप जितना बटन लगाना चाहते हैं साइड मेनू में आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको साइड मेनू को लेने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हेडर पिक्चर जो है हेडर बैकग्राउंड जो होता है वो ये जो है आपको अपने हिसाब से क्रिएट करना होता है। इसका जो साइज होता है 1280x720 पिक्सल का होता है साइज जो मैंने क्रिएट किया है, और ये जो हेडर जो पिक्चर है ये हेडर पिक्चर, तो ये इसको जो है 512x512 पिक्सल का आपको क्रिएट करना होगा। चलिए मैं एसएसएस पे आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है देख लीजिए फ्रेंड्स ये हेडर पिक्चर है जो इस प्रकार से मैंने क्रिएट किया है, और ये जो है कोई सा एक फोटो क्रिएट कर लिया है 512x512 पिक्सल का, इस प्रकार से आपको क्रिएट करना है। जैसे भी आप अपने एप्लीकेशन को बनाना चाहते हैं, लोगो डिजाइन वगैरह करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ शेयरिंग वाले जो आइकन आपको वहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, देख लीजिए यहाँ पे ये मैंने होम वाला आइकन लगाया है, यहाँ पे शेयर वाला आइकन है यहाँ पे, और ये जो है आपको रेटस वाला आइकन है स्टार वाला। तो ये सब चीज़ आपको डाउनलोड करके आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड आप फ्रेंड्स कहाँ से कीजिएगा, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एक साइट है मटेरियल आइकन्स, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम विंडो ओपन करके आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है मटेरियल्स आइकन, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में है मटेरियल आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको फर्स्ट जो है आइकन से मटेरियल डिजाइन, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आप बहुत सारा जो है आप आइकन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा आइकन है। तो आप अगर शेयर का ऑप्शन शेयर वाले को आइकन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप शेयर लिख दीजिए शेयर, और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद फ्रेंड्स
यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो शेयर वाला है इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सेलेक्ट आइकन, और यहाँ से आपको PNG फाइल में आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। जिस प्रकार से आप दो कलर में है, ब्लैक है और व्हाइट है, तो दोनों कलर में जो भी कलर में आप डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड PNG फाइल को आप कर लीजिए, और उसके बाद आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसी प्रकार से असिस्ट में आपको यहाँ पे जैसे ही आप असिस्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ से अपलोड असिस्ट कर दीजिए, और जहाँ पे वो फाइल आपका रखा हुआ है वहाँ से आप चूज करके इसको अपलोड कर लीजिए। तो इस प्रकार जितने भी अपना आइकन वहाँ पे जितने भी बटन लगाना चाहते हैं, तो उस प्रकार से जो है अपना आइकन वहाँ पे डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद आप यहां से अपलोड कर लें इसको, और जो है हेडर पिक्चर और जो सर्किल का जो हेडर पिक्चर है वो जो भी आप बना लें, डिजाइन कर लें अपने हिसाब से। और आपको यहां पे और कुछ भी नहीं करना है, और यहां पे टाइटल और यहां पे जो है टाइटल और सब टाइटल भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो टाइटल और सब टाइटल क्या होता है, साइड मेनू बार जो ओपन होगा तो वहाँ पे जो नीचे में आपको एक सर्किल में जो आपका जो ये पिक्चर जो है, ये लव जो पिक्चर मैंने डाला है वो आपको सर्किल में दिखाई देगा, और उसके नीचे जो है आपको ये जो है ये जो टेक्स्ट आपको दिखाई देगा। तो यही है होता है हेडर टाइटल एंड सब हेडर टाइटल। तो इस प्रकार से आप ये जो भी अपना मन से देना चाहते हैं दे सकते हैं। चलिए मेन जो है इसमें ब्लॉक का काम है, ब्लॉक कैसे आपको सेट करना है। चलिए ब्लॉक पे आते हैं, और ब्लॉक पे आने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एक लेना है वन स्क्रीन इनिशियलाइज वाला ऑप्शन, स्क्रीन वन पे आ जाइए, और स्क्रीन वन पे आने के बाद फ्रेंड्स इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वन टू स्क्रीन इनिशियलाइज, इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ से ले लेना है। और लेने के बाद यहाँ से हम इसको डिलेक्ट कर लेते हैं, मैं ऑलरेडी ले लिया हूँ। तो ये इसको लेने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, साइड मेनू आना है, साइड मेनू में यहाँ पे यहाँ साइड मेनू, और यहाँ पे कॉल साइड मेनू एड आइटम्स टाइटल इमेज इनेबल चेक ग्रुप, ये वाला ऑप्शन आपको लेकर के उसमें लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लगाया है, और लगाने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आप जो भी अपना वहाँ पे साइड मेनू में टाइटल वगैरह देना चाहते हैं दे सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट में होम दिया है, और होम पे आपको जो भी आपको इसमें आइकन लगाना है, इमेज वगैरह लगाना है, उसका जो है आपको जो है टेक्स्ट जो है उस इमेज का जो टेक्स्ट होता है रीनेम जो करते हैं, वो टेक्स्ट आपको कॉपी वहाँ करके इसमें आपको पेस्ट करना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए हम असिस्ट में आते हैं, और यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करना होगा। यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, और इसमें जो है आपको आपको यहाँ पे इसमें आपको यहाँ पे पेस्ट करना होता है। चलिए हम यहाँ से इसको हम पेस्ट कर देते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले ही पेस्ट किया था तो उसे मैं पेस्ट करूँगा नहीं। तो आप इस प्रकार से है उसका जो टेक्स्ट है कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट, सिर्फ आपको टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट करना है। तो ये एक बटन का काम हो गया, आप जितने बटन लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। दूसरे में आपको करना क्या, इसी को यहाँ से डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करके नीचे आपको यहाँ पे लगा देना है ऐसे करके, और यहाँ पे जो टाइटल देना चाहते हैं शेयर का तो आप शेयर लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसी प्रकार से जो है असिस्ट में आ जाना है, और शेयर वाले जो भी इमेज होगा उसका जो यहाँ टेक्स्ट है यहाँ से उसी प्रकार से यहाँ से कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी, और उसमें आपको क्या करना है यहाँ पे इमेज वाले में आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और इसी प्रकार से जितने भी बटन लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। और आपको इमेज में क्या करना है, उस इमेज का जो है टेक्स्ट कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना होता है। और अब आपको क्या क्या करना होगा कि जब भी ये चीज़ क्लिक हो, होम वाले जो है साइड मेनू क्लिक हो, शेयर वाले ऑप्शन को क्लिक करे, और लेटेस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करे, तब क्या होना चाहिए, तब जो हम यहाँ पे ले लेते हैं, आपको साइड मेनू आना है यहाँ पे साइड मेनू में, और वहाँ पे लेना है साइड मेनू आइटम्स क्लिक, इसको लेने ले लीजिए यहाँ से ड्रैग करके, जैसे कि मैंने पहले से यहाँ पे ले लिया है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। लेने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इफ़ देन वाले ऑप्शन को लेना है, यहाँ से कंट्रोल में आ जाना है, कंट्रोल में आने के बाद इफ़ देन वाले ऑप्शन को लेकर के इसमें इसी प्रकार से यहाँ पे ड्रैग करके लगा देना है। और लगाने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, लॉजिक में आना है, लॉजिक में आने के बाद इक्वल टू वाला लेना है, इक्वल टू लेना है, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं इक्वल टू, और इक्वल टू लेने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, यहाँ पे गेट टाइटल है, इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गेट टाइटल नहीं मिल जाएगा, तो गेट टाइटल यहाँ पे इसको लगा देना है। और इस पर लगाने के बाद फ्रेंड्स आपको टाइटल क्या है, तो होम है, तो होम को क्लिक कर डुप्लीकेट कीजिए और इसमें लगा दीजिए। तो जब गेट टाइटल अगर होम हो, यहाँ पे एक्सपेंड करो, गेट टाइटल होम हो तब क्या हो, यदि गेट टाइटल होम पे क्लिक करे तब क्या होना चाहिए, तो जब भी फ्रेंड्स होम पे क्लिक करता है तो वही जो स्क्रीन ओपन रहता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और एल्स इफ वाला ऑप्शन को लेना है, यहाँ पे लगा देना है, और यहाँ पे फिर आपको यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेना है, यहाँ से इसमें आपको लगा देना है। इसमें लगाने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, गेट टाइटल उसके बाद क्या है, इसको डिलीट कर दीजिए, और गेट टाइटल आपका दूसरा क्या है, शेयर डुप्लीकेट कीजिए और इसमें आपको यहाँ पे लगा देना है, गेट टाइटल इक्वल टू शेयर। जब शेयर पर क्लिक हो तब क्या होना चाहिए, तो कॉल शेयर मैसेज, आपको वहाँ पे शेयर मैसेज
करना है तो यहाँ पे शेयरिंग पे और क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप कॉल शेयर मैसेज यहाँ पे इसको लेकर के इसमें लगा दीजिए और इसमें आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। एक ब्लैंक टेक्स्ट ले लीजिए, यहाँ से टेक्स्ट में आ जाइए, एक ब्लैंक टेक्स्ट को लेना है और यहाँ पे आपको ड्रैग करके लगा देना है और इसमें जो भी मैसेज देना चाहते हैं आप दे सकते हैं या अपनी एप्लीकेशन का लिंक देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। और उसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पे, और उसके बाद आपको तीसरा क्या है एडिटर्स वाले ऑप्शन को, तो फिर आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद फिर इस ऐप वाले ऑप्शन को लेना है, इसमें ड्रैग करके रख देना है और आपको यहाँ से फिर इसको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट कीजिए, इसमें लगा दीजिए, यदि जो गेट टाइटल इक्वल टू रेटस हो डिलेक्ट ब्लॉट, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। जब रेटस तब क्या होना चाहिए, तो जो भी आप अपने एप्लीकेशन को रेट करवाना चाहते हैं उसका वो एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाना चाहिए डायरेक्ट प्ले स्टोर पर। तो गेट टाइटल इक्वल टू रेटस तब क्या होना चाहिए, तो सेट वाले ऑप्शन एक्टिविटी स्टार्ट में, एक्टिविटी स्टार्टर में आना है यहाँ से और सेट वाला कोई एक ले लेना है, यहाँ से सेट वाला आप यहाँ से लेकर के इसमें आप लगा दीजिए और यहाँ से डाटा यूआरआई को आप चूज कर लीजिए। डाटा यूआरआई को चूज करने के बाद फ्रेंड्स चलिए हम इसको नीचे कर लेते हैं। डाटा यूआरआई को चूज कर लीजिए और फिर आपको इस ब्लैंक टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना है डुप्लीकेट करके और इसमें आपको पेस्ट कर देना है। और आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपका जो भी एप्लीकेशन है गूगल प्ले कंसोल पे उस एप्लीकेशन का लिंक आपको वहाँ से कॉपी करके इसमें आपको पेस्ट करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे फिर से आपको एक्टिविटी स्टार्टर में आना है और यहाँ पे कॉल स्टार्ट एक्टिविटी को आप लेकर के इसमें ड्रैग कर देना है। और एक काम और इसमें बच गया है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्टर में यहाँ पे देख सकते हैं, एक्टिविटी स्टार्टर में आपको यही चीज़ लिखना होगा android.intent.action.view। आप देख सकते हैं, इसको वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए, इसी प्रकार से आपको लिखना होगा एक्टिविटी स्टार्टर में। एक्शन में आपको android.intent.action.view आपको लिखना होगा। और ब्लॉग में आपको कुछ नहीं करना है, वही चीज़ है साइड मेनू जो है लेआउट, आपको यहाँ पे साइड मेनू आइटम्स क्लिक यहाँ पे जो है इसको लेना है और इसमें आपको यहाँ से इस सभी को यहाँ पे ट्रैक करके लगा देना है, बस हो गया। तो मैंने पहले से यहाँ पे बना चुका हूँ तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। तो इस प्रकार जो है इसका जो है आप जो है साइड मेनू क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जितने भी बटन लगाना चाहते हैं इसी प्रकार से आप यहाँ से डुप्लीकेट कीजिए, डुप्लीकेट करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से फिर इसको लगा दीजिए। लगाने के बाद जो भी आप यहाँ पे टाइटल देना चाहते हैं टाइटल दे दीजिए और उसमें जो भी इमेज लगाना चाहते हैं उसका टेक्स्ट कॉपी कर लीजिए और इसी प्रकार जो है आपको वो यहाँ पे जो है लगाना है इफ देन वाले ऑप्शन को ले ले करके यहाँ पे जैसे ही ये इस एफ वाले ऑप्शन को लीजिए और फिर आपको यहाँ पे यदि इसको डुप्लीकेट करना है यहाँ से डुप्लीकेट कीजिए, इसमें लगा दीजिए और यहाँ पे गेट टाइटल इक्वल टू जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट करके इसमें लगा देना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, क्या चीज़ आप करवाना चाहते हैं वो चीज़ आप यहाँ से दे सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे तीन ही बटन पे बताया हूँ। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप समझ भी गए होंगे। यदि आपको यहाँ इसमें भी फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं इसका AI फाइल आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका AI फाइल। अगर डिस्क्रिप्शन पर नहीं मिलता है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उस पर आप मैसेज कीजिए तो मैं उस पर जरूर इसका AI फाइल भेज दूंगा और आप जो है इस AI फाइल को यूज करके एक प्रोफेशनल जो है साइड मेनू का आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।